दोस्तों होटल से आया और यहाँ पे देखिए अबू धाबी मॉल है, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो होटल में मुझे ये ब्राउज़र मिला था जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बिग बस। तो यहाँ पे ये कैसे यूज़ करना है, ये हमारे साथ में अमजद भाई हैं पाकिस्तान के, यही इस टूर को करा रहे हैं। तो भाई ये थोड़ा ना लोग समझ नहीं पाते हैं कि कैसे करना है। तो जी हमारे साथ जो है ना यहाँ पे दो लाइन होती है, थोड़ा हम अंदर करें, हवा जा रही है। हाँ जी जी, हमारे पास लाइनें होती है दो लाइन, एक रेड लाइन और हमारे साथ ग्रीन लाइन। जी रेड लाइन जो होती है वो सिटी टूर की होती है जी, जो 1 घंटा 50 मिनट टोटल ट्रिप करना होता है। जी जी, अगर आप गाड़ी में स्टे करेंगे तो 1 घंटा 50 मिनट का टोटल ट्रिप, अगर आपने कहीं पे विजिट करना है तो हर आधे घंटे के बाद आपको बस मिलेगी। जी जी, एग्जाम्पल आपने लोअर म्यूजियम जाना है, प्रोमिनेट, पब्लिक बीच, अलबहा बीच, किसी भी स्टॉप पे आप जाना है, आपको अगली बस आपको आधे घंटे के बाद मिलेगी। मतलब आपकी ये यहाँ 9 बजे से लेके 9 बजे से लेके शाम के 6:40 तक आपकी बस हर जगह मिलती रहेगी। हाँ, 4-5 बजे की हमारी लास्ट बस यहाँ से है जो फुल टूर करेगी। अगर कहीं भी आप हैं ये टाइमिंग आप फॉलो करेंगे तो हम आपको उठा के यहाँ पे वापस लेके आएंगे स्टॉप नंबर 1 पे। ओके, फिर हमारे साथ दूसरी ग्रीन लाइन की बस होती है जो यहाँ से जाती है 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, इसका 2 घंटे का ट्रिप होता है। आधे घंटे की बस यहाँ से जाती है, 1 घंटा आप विजिट कर सकते हैं, फिर आधे घंटे की फिर यहाँ पे आती है। यहाँ सिर्फ एक ही जगह जाती है, एक ही जगह सिर्फ मस्जिद है ना, मस्जिद है। हाँ मस्जिद, बड़ी मस्जिद है यहाँ पे जाती है। अच्छा, ये मेन अट्रैक्शन अबू धाबी का है, सबसे बड़ी मस्जिद। हाँ, सबसे बड़ी मस्जिद है। और इसमें जो हमारे साथ प्राइसेस हैं वो एक दिन का है जो 290 दिरहम है, 2 दिन का 350, 3 दिन का 399। जो 399 का जो टिकट है आपको 5 दिन का मिलेगा, प्लस इसमें आपको ये प्रेसिडेंशियल पैलेस जी 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 जो रॉयल फैमिली रहती है। हाँ, तो इसमें अभी भी रहते हैं वो लोग? इसमें रहते नहीं है, लेकिन जिसके साथ नियर है जो शेख साइद का जो है पुराना पैलेस है वहाँ पे रहते हैं। लेकिन ये बनाया तो उन लोगों ने सोचा कि यार लोग विजिट कर लें देखने के लिए आ जाए, तो इन लोगों ने फिर उसके बाद प्राइस भी लगा ली 65 दिरहम। ओके, हाँ तो ये इंक्लूडेड इसके साथ ही होता है। ओके, तो ये हमारा पूरा ट्रिप कवर हो जाता है, 2 घंटे का ये है, 2 घंटे का ये, जिसमें आपको बसेस हर घंटे आधे घंटे के बाद मिलती है। एक मिनट, आप देखिए इस तरह, आप अभी मैं आपको बस दिखाता हूँ ऊपर नीचे ऐसा जा करके सब इसमें देख सकते हैं। और मैंने ये क्यों चूज किया, जैसे कि अगर आप वैसे किसी से पूछते हैं कि मुझे टूर करना है सिटी टूर, तो आपको थोड़ा आइडिया नहीं लगता, मुझे भी नहीं लग रहा था कि मैं कहाँ कहाँ। इंटरनेट पे मैंने ढूंढा तो टैक्सी पकड़ने में, टैक्सी में एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ उतरते हैं तो आपको सीधा वो 12 दिरहम गिर जाता है, 12 दिरहम मीटर में आता है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो एक यहाँ पे देखिए जो टाइमिंग दिया है, पहली बस 9 बजे से है, तो आप मान लीजिए यहाँ पे 9:10 पे लोअर म्यूजियम पहुँच गए, तो यहाँ आप उतर जाइए, यहाँ आप 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आधा घंटा एंजॉय करना, फिर इनकी दूसरी बस आएगी उसको आप पकड़ सकते हैं। ये इसी तरह से है आने में और जाने में। तो बाकी हम आपको इसके बारे में टोटल बता दिए। अब ये कहाँ से आप पता करोगे, तो आप किसी भी होटल वगैरह में जाएंगे, किसी से पूछेंगे कि मुझे बिग बस में जाना है, तो आपको बता देंगे कि अबू धाबी मॉल है वहाँ पे चले जाओ और वहीं पे ये बस मिलेगी। तो थोड़ा सा मैं आपको बस दिखाता हूँ, ये ऊपर कैसे जाएं? हाँ, इसके पीछे से सीढ़ी है। नीचे भी यही है बैठने के लिए? नीचे भी बैठ सकते, ऊपर बैठ सकते। अच्छा, ये जो है देखिए ये ऐसी बस होती है, डबल डेकर है, 2 स्टोरी की, और यहाँ से ऊपर जाएंगे, कैमरा लगा हुआ है, यहाँ से आपको ओपन व्यू मिलेगा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे सीटें हैं, और एक उन्होंने मुझे हेडफोन दिया है, ये इसे आप लगा लेंगे तो जो उनके साथ कन्वर्सेशन है लैंग्वेज का वो होता रहेगा, उसे यहाँ पे लगाना है, कौन कौन से चैनल, कौन कौन सा लैंग्वेज है वो बताएगा। जैसे देखिए इंग्लिश चूज करिए, अरबिक, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, रशियन, ये 8 लैंग्वेज हैं। इंडिया का शायद नहीं दिया है, इंडिया तो नहीं दिया है। फिर यहाँ से आप इस बस में बैठ सकते हैं, ओपन टूर कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरी बस लगी हुई है। तो ऐसा ये पूरा आपका बिग बस का सिस्टम है। इनका साइड व्यू देखिए, जब आप सिटी टूर करते हैं तो ऐसे ओपन पूरा बहुत तेज चल रही है, लेकिन वीडियो बनाने में भी मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बीच का
आपको इसमें ना बहुत इंजॉय करने को मिलेगा। यहाँ पे जो है आपका पहला स्टॉप आ गया, ये देखिए यहाँ पे लिखा है लोअर अबू धाबी म्यूज़ियम है ये, और ये चारों तरफ देखिए पानी पानी सा भरा है, उधर क्रूज खड़ी है, इधर ये म्यूज़ियम है। अगर आप उस म्यूज़ियम में जाते हैं तो लगभग आपको 63 दिरहम देना है तो देख सकते हैं, नहीं तो आप बाहर बाहर से देख सकते हैं। तो मैंने ये प्लान किया है कि जो इनका सिटी टूर है ना, ये मैं पहले आपको फर्स्ट डे के लास्ट तक करा दूं, फिर मैं देखना शुरू करूंगा। अब यहाँ से हम तीसरे स्टॉप के लिए निकले हैं, अबू धाबी प्रोमेंड करके है, वहाँ पे जाएंगे। फिर यार इतनी तेज़ हवा चल रही है कि पूरी हालत बिगड़ गई है, तो मैं इसीलिए जो है यहाँ अगले हिस्से में आके बैठ गया बस के, क्योंकि मैं ऊपर हूँ ना इसलिए बहुत ज़्यादा जो है हवाएं मार रही हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है शिप खड़ी हुई है, ये बंदरगाह है, यहाँ पे सारा पैकिंग होता है सामान, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है आता है, पूरा समुद्र के किनारे किनारे बसा हुआ है। देखिए स्पीड बोट का एंजॉय ले रहा है बंदा। आपके पास भी अगर ज़्यादा पैसे खर्च करने हो तो आइए आप भी इंजॉय करिए। देखिए लहरों को चीरता हुआ जा रहा है, उसके जाने के बाद भी अभी पानी में पूरा ऐसा उसके जाने का निशान बना हुआ है, और आगे पूरा देखिए उधर ऊंचे ऊंचे रेगिस्तान के टीले दिखाई दे रहे हैं, और ये इधर का लेफ्ट हैंड पे पूरा सिटी बसा हुआ है। आपको तो पता ही होगा ये जो है यूनाइटेड अरब अमीरात का कैपिटल है। मैंने ये कैसे कर रहा हूँ कि मैं पहले एक से लेके जो इनके 14 स्टाफ हैं लास्ट तक जा रहा हूँ, फिर वहाँ से शुरू करूँगा रिटर्निंग का। ये जो बीच देख रहे हैं ये दुबई का सबसे सेफेस्ट और सबसे क्लीन बीच माना जाता है। इसमें दो एरिया बना हुआ है बीच का, एक में आप जो है सिंगल जा सकते हैं, मतलब जो सिंगल पर्सन है, और एक में फैमिली और आपका जो परिवार है वो एक साथ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ किसी में घुस जाएंगे। यहाँ पे आप साइकिल लीजिए, इस बीच का आनंद करना चाहें तो आप आनंद लीजिए, साइकिलिंग कर सकते हैं। हमारी बस जो है वो हेरिटेज विलेज पे पहुँच गई है जो कि 6th स्टॉप है। यहाँ पे आप उतर के हेरिटेज विलेज देख सकते हैं और दूसरा बस यहाँ से पकड़ सकते हैं। हेरिटेज विलेज के सामने ये बीच एरिया है, और यहाँ पे 22 और 13 लिखा है सामने, वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या है उसका मतलब। अभी हम हेरिटेज विलेज से निकल के मरीना मॉल जा रहे हैं जो कि हमारा 7th स्टॉप होगा। 7th स्टॉप जो है वो हमारा मरीना मॉल होगा, उसके बाद में हम जाएंगे बे व्यू देखने, फिर आएगा फाउंडर्स मेमोरियल। टोटल 14 स्टॉप जाना है जिसमें हम जो है 7th पे चल रहे हैं। ये जो है मरीना मॉल है, तो मरीना मॉल और हेरिटेज एकदम बगल बगल में है, तो यहाँ पे बस रुकेगी। आप चाहो तो यहाँ देखो, और नहीं देखना चाहो तो आप जो है लौट के अपने बस दोबारा बस के लिए यहाँ खड़े हो जाओ। हम पहुँच गए हैं मरीना मॉल, यहाँ पे आप उतर के मरीना मॉल में जा सकते हैं, घूम सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ से दूसरी बस मिलेगी जो बे व्यू जाएगी। अब आपको नहीं तो आप सिटी टूर करना चाहते हैं तो ऐसे बाहर बाहर से कर सकते हैं। बेवी के बाद हम ये पहुंच गए हैं फाउंडर्स मेमोरियल, यहाँ पे आप आ सकते हैं फाउंडर्स मेमोरियल में, ये सब फ्री हैं। वहाँ पे देखिए वो मेमोरियल का सीन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे पैसा लगेगा वो है एमिरेट्स पैलेस, और आपका दूसरा लगेगा लोअर
म्यूजियम में, यहाँ दोनों जगह आपको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे जो हरियाली है इसका बहुत ध्यान रखा गया है, ये जितने फूल पौधे ये सब देख रहे हैं, ये सब जो है इसके लिए कितने लोग काम करते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान, नेपाल, अदर अदर देश के लोग आ करके यही काम के वीज़ा लेते हैं और यही करते हैं। इसका एक टेंडर निकलता है और उस टेंडर में लोग अपने लिए काम कराने के लिए बाहर से ले आते हैं और यहाँ पे जो है दिन भर 7 घंटे 8 घंटे जगह जगह पे इसमें पानी छोड़ते हैं। और ये जो काला काला देख रहे हैं ये इसमें पाइप है पानी का, और इसी से पानी जो है वो छोड़ते रहते हैं, बंद करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, बंद करते रहते हैं। इसका काम सुबह 7 बजे चालू होता है और शाम 4 बजे तक सिर्फ पानी देने का काम है। बाकी ये जो देख रहे हैं ना ये बाब अल अकबर होटल है, ये भी होटल है, ये सारे होटल ही हैं। एतिहाद टावर है, ये सामने जो है ग्रैंड हयात होटल है, और यहाँ जो जो इसको बुक किए हैं यहाँ पे आके बस को पकड़ सकते हैं। एमिराट पैलेस, यहाँ हम एमिराट पैलेस पहुँच गए हैं और इसके बाद में यहाँ पे आगे आएगा प्रेसिडेंटल पैलेस, जिसका उसमें चार्ज है, उसका मैंने टिकट लिया है लेकिन वो मैं अभी बाद में जाऊंगा। अभी मैं केवल आप लोगों को सिटी टूर करा रहा हूँ। ये प्रेसिडेंशियल पैलेस के बारे में कहा जाता है, इसमें कैसे मतलब शाही परिवार रहता है, उनकी रहन सहन कैसी है, उसके बारे में बताया गया है। और बता रहे हैं ये 490 मिलियन के आसपास जो है इसको बनाने में जो है कॉस्ट लगा हुआ है। पैलेस से निकल के हम जो है जा रहे हैं अल हसन फोर्ट पे, जिसका कॉस्ट है 35 दिरहम अगर आप अल हसन फोर्ट जाना चाहते हैं अंदर तो। और इधर पे जो है आयरलैंड की एम्बेसी थी और ये सिटी व्यू है। देखने के लिए 35 AD यानी 35 दिरहम देना पड़ेगा, ठीक है, 35 दिरहम देना पड़ेगा फिर इसके अंदर आप जा सकते हो। अब यहाँ से हमारा अगला स्टॉप जो है यहाँ समझा रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसके बाद जाएगी गैलेरिया जो कि लास्ट स्टॉप होगी। आप देख रहे हैं वह है लुलू सुपरमार्केट, आप देख रहे हैं हर जगह लुलू का है सुपरमार्केट। जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहुंच गए हैं
और उसके बाद हम अब गैलेरिया में जाएंगे। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एरिया पूरा। बाहर निकल के देखना पड़ेगा कि कौन सी बिल्डिंग है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, वो मुझे भी नहीं पता है अभी। से गैलेरिया जा रहे हैं और गैलेरिया में जो है हमारा लास्ट स्टॉप है। यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स है, अलवादी ज्वेलर्स है। अगर आपको ज्वेलरी वगैरह देखना है तो आ सकते हैं। ऐसे कहीं कहीं भी चला जाता हूँ। नहीं ख्याल करो, फाइन लग जाएगा। ये अब से दोबारा फिर पीछे हो ना। अच्छा, अगर सिग्नल क्रॉस करो, सिग्नल से ऐसे क्रॉस करो, सिग्नल से ऐसे क्रॉस करो, बैठो। ओके ओके, थैंक यू। तो इस तरह देखिए, ये जो है हमने पूरा सिटी टूर करके आ गए। एक ये आगे मॉल है, गैलेरिया मॉल, वहाँ पर मैं नहीं गया क्योंकि मुझे वहाँ पर जाना नहीं था, मॉल मॉल पर बार बार। अभी मैं जब लौट के आऊँगा तो वहाँ भी चला जाऊँगा। चली गई यहाँ से, मैं जो है एक रेस्टोरेंट पे जाऊँगा, खाना खाऊँगा। मैं क्या वहाँ उतर गया, मैं बताऊँ यार, मेरे इसका ना बैटरी ख़त्म हो गया था गोप्रो का। मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरी है नहीं और पावर बैंक मेरा खो गया है। वैसे ये सिटी टूर यहाँ पे समाप्त हुआ है। अब मैं यहाँ से 3:30 की बस लूँगा और वहाँ पर मैं जाऊँगा प्रेसिडेंशियल हाउस में। वहाँ पे लाइटिंग देखूँगा, उसकी एंट्री 5 बजे तक ही होती है। उसके बाद अपने होटल आऊँ।